हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक खराब एलईडी ट्यूबलाइट जो कि 28 वॉट की है को रिपेयर करेंगे। अच्छा, इस ट्यूबलाइट में कमी क्या है इसको हमें टेस्ट करना होगा, और टेस्ट करने के लिए हम इसे एसी मेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लग है जिसमें एलिगेटर क्लिप लगी है, इनके द्वारा हम इसे एसी मेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप पावर मॉनिटर में वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे। मैं इस तरह से अब इसे पावर मॉनिटर के साथ प्लग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत हल्की सी ब्राइटनेस है, और पावर मॉनिटर में 2.48 वॉट यानी लगभग 2.5 वॉट के करीब ये पावर कंज्यूम कर रही है। अच्छा, 28 वॉट की ट्यूबलाइट 2.58 वॉट ही कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर फॉल्ट है। और ये फॉल्ट क्या है, ये लो लाइट की फॉल्ट है, इसमें हल्की लाइट हल्की ब्राइटनेस आ रही है। तो यहाँ पे इसे खोलने के लिए आपको ये दोनों साइड जो आउटर साइड पे आप लॉक देखेंगे इनको आपको निकालना होगा। यहाँ पे इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे और इस साइड का लॉक जो है इसे निकाल देंगे। इस साइड का लॉक निकालने पे हमें कनेक्शन वायर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस एलईडी ट्यूबलाइट में जो ऊपर का डिफ्यूज़र है उसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट होती है उनमें डिफ्यूज़र नहीं निकलता है, लेकिन ये जो एल्युमिनियम बॉडी में ट्यूबलाइट आती है इनमें डिफ्यूज़र अलग हो जाता है। यहाँ पे इस साइड पे कनेक्शन नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, दूसरी साइड देखना होगा। आप देख पाएंगे इस साइड कनेक्शन वायर जो है वो MCPCB जो LED की स्ट्रिप है उसके साथ कनेक्ट नहीं है, इस साइड पे कनेक्ट है। तो इस साइड का ये जो प्लास्टिक पार्ट है इसे भी हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से आप प्रेस करके इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आप वायर देख पाएंगे कनेक्ट है, और इसकी LED स्ट्रिप जो है इसमें कितनी SMD LED है इन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है और मैं इसे घुमा लेता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैं आपको लिखा हुआ नहीं दिखा पाऊंगा। तो इस तरह से मैंने इसे घुमा लिया है, और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे एक साइड से। तो इस जगह से जब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे 25 यहाँ तक SMD है। इसके आगे आप देखेंगे कि फिर नेक्स्ट 25 यानी 50 SMD हो गई, फिर इसके बाद 25 यानी 75 SMD हो गई, इसके बाद 100 यानी यहाँ पे चार सेक्शन निकल चुके हैं। पांचवा सेक्शन है 125, और ये 150 यानी छठा सेक्शन। तो यहाँ पे टोटल SMD LED इसमें 150 ली गई है, जबकि हमारी जो नॉर्मल 20 या 18 वॉट की LED ट्यूबलाइट आती है उसमें 100 SMD ही होती है। तो इस तरीके से अब हम ये जो वायर के कनेक्शन है इन्हें निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें सोल्डिंग आयरन जो है इसे ऑन कर लेना है, और ये अभी हीट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो कनेक्शन है MCPCB में यानी स्ट्रिप जो है उसके कनेक्शन निकालेंगे। तो इस तरह से मैं कनेक्शन जो है उन्हें निकाल देता हूँ, और इसके बाद हम इसका ड्राइवर जो है उसे बाहर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर बाहर करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो वायर है इन्हें हमें बाहर खींचना होगा। लेकिन उससे पहले जहाँ से हम AC इनपुट देते हैं ये वाले वायर, इनको यहाँ से अंदर हमें निकालना होगा। तो इस तरीके से पहले हम इसमें ये जो रबर इंसुलेटर लगा हुआ है इसे निकाल देते हैं, और यहाँ पे एक वायर या आप धागा बांध सकते हैं, मजबूत धागा जो है इस जगह पे आपको बांधना होगा। मैं यहाँ पे ये वायर जो है काफ़ी लंबा वायर है, और इसको इस तरह से इसमें जो है बांध देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे कि इसके वायर जो है उन्हें मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ देने से ये जो है निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने मोड़ दिया है, और अब हम वो जो दूसरे साइड MCPCB के साथ में कनेक्ट है वायर उनको खींचेंगे। तो यहाँ पे आपको धीरे से ही खींचना है, नहीं वायर टूट सकते हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि ड्राइवर मुश्किल से निकलेगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ये जो वायर है इन्हें खींच के और इसका जो ड्राइवर है उसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम इस तरह से इसका ड्राइवर जो है उसे बाहर निकाल लेते हैं, और अब हम यहाँ पे ड्राइवर जो है उससे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ड्राइवर जो है इंस्टॉल है पूरा। ये PVC ऊपर से लगा हुआ है, चूंकि इसकी बॉडी जो है एल्युमिनियम की है तो शॉर्टिंग ना हो, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन का विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो ड्राइवर है उसे निकाल लेते हैं, और फिर ड्राइवर को देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका ये ड्राइवर है, और ड्राइवर में काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। कुछ कंपोनेंट इस साइड भी लगे हुए हैं, और कुछ कंपोनेंट दूसरी साइड भी लगे हैं। यहाँ पे दो फ्यूजबल रेजिस्टेंस लगे हैं, एक MOV लगा हुआ है, यहाँ पे एक PF है इंटरफेरेंस के लिए, इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर है, और यहाँ पे ये हमारा ड्रम इंडक्टर है। ड्रम इंडक्टर के साथ ही एक SMD रेजिस्टेंस भी लगी है। यहाँ पे एक PF है इंटरफेरेंस के लिए, ये MOV लगा हुआ है, ये LED ड्राइवर IC, और इस साइड पे कुछ SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके आगे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और दो ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर और एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ड्रम इंडक्टर है इसे टेस्ट करना होता है। अच्छा, जब ड्रम इंडक्टर ओपन हो जाता है ऐसी स्थिति में भी ये फॉल्ट जो है आ सकती है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि SMD कंपोनेंट आपको अच्छे से देख लेते हैं, कोई भी खराब ना हो। तो यहाँ पे SMD कंपोनेंट सभी जो है
सही दिख रहे हैं हमें, और ये जो रेजिस्टेंस लगी है ये इसकी जो करंट सेंस रेजिस्टेंस है वो होती है, और यहाँ पे ये सभी सही हमें दिख रही हैं। यहाँ पे जो हमारा ड्रम इंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस भी ठीक है, और ये सभी कंपोनेंट जो है बिल्कुल ओके हैं। यहाँ पे जो हमारा ये ड्राइवर है इसे हम अब फिर से एलईडी स्ट्रिप के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एक बार मैं फिर से आपको टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है उसके कनेक्शन हमें जो ड्राइवर है उसके साथ करने हैं, और फिर से एक बार टेस्ट करना है, जिसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव नेगेटिव को आप ध्यान देके और यहाँ पे इसके कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे नेगेटिव जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे हम ब्लैक वायर जो है ड्राइवर का आउटपुट वाला वायर उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरह से हमें रेड वायर जो है उसे पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ये रेड वायर है और इसे हम पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ में एलईडी स्ट्रिप पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक बार फिर से पहले टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है एसी मेंस के वायर हैं, और इनके साथ में हम एलिगेटर क्लिप लगा के इस पे एसी मेंस की सप्लाई जो है वो देंगे। यहाँ पे आप पावर मॉनिटर में इसका वोल्टेज जो है वो भी देख पाएंगे। चलिए मैं कनेक्शन जो है वो कर देता हूँ जिससे कि आप इसको कन्फर्म कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एलईडी स्ट्रिप अब भी बहुत हल्के से ग्लो कर रही है, और यहाँ पे ये लो लाइट की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह क्या हो सकती है उसको हम देखते हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह जो है वो ड्रम इंडक्टर ही हो सकता है। यहाँ पे ड्रम इंडक्टर को हमें मल्टीमीटर द्वारा टेस्ट करना होगा, और उसके बाद हम दूसरा जो कंपोनेंट है मुख्य उसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट जो है ये सही है, बस ड्रम इंडक्टर हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दिखने में मैन्युअली हमको देख लेना होता है कंपोनेंट दिख जाते हैं जो ख़राब होते हैं। मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्टिंग में लगाऊंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बजर मोड में, और इसके बाद बैकलाइट मैं ऑन कर देता हूँ, और अब हम मल्टीमीटर से इसका जो ड्रम इंडक्टर है उसे टेस्ट करते हैं। ड्रम इंडक्टर पे मल्टीमीटर जो है वो वजर मोड में बीप देगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम ड्रम इंडक्टर के दोनों पॉइंट्स पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको बीप की साउंड जो है वो सुनाई दे रही होगी। तो इस तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा ड्रम इंडक्टर सही है। अब इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये छोटा वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जो कि आईसी के बगल में लगा है, इसे हमें टेस्ट करना होगा। अच्छा, ये अगर शॉर्ट होगा तब भी यही कंडीशन आती है, कई दफ़े ये क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। ये 63 वोल्ट और 1 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। चलिए हम इस पे भी शॉर्टिंग जो है उसे टेस्ट कर लेते हैं। अगर शॉर्टिंग आ रही है तो ये निश्चित ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ख़राब होगा, इसी वजह से लो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा मल्टीमीटर वीप दे रहा है और ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट है, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को हमें रिप्लेस करना होगा। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और इसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाएंगे। अच्छा, ये कैपेसिटर अगर इसकी जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है 1 माइक्रोफेरेड से और डाउन हो जाती है, ऐसी स्थिति में ब्लिंकिंग भी करने लगता है, और यहाँ पे ओपन की स्थिति में अगर ये कैपेसिटर ओपन हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसकी आईसी जो है वो खराब हो जाएगी, निश्चित रूप से आईसी जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि ये स्विचिंग कैपेसिटर है और इसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। यहाँ पे 63 वोल्ट और 1 माइक्रोफेरेड का ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, और चलिए अब हम इसे रिप्लेस करेंगे और फिर इसके बाद टेस्टिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो स्विचिंग कैपेसिटर है वो आपको सेम वैल्यू का नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा बहुत वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 50 वोल्ट और 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छे से वर्क करेगा। और इसकी लेग्स को हम इस तरह से मोड़ लेते हैं और इसके बाद इसे हम जो ड्राइवर है जहाँ पे ये लगा था वहाँ पे लगाएंगे, और आपको पोलैरिटी का विशेष ध्यान देना है। पोलैरिटी आप देख पाएंगे कि इसमें कैपेसिटर में नेगेटिव साइड पे बना होता है, यहाँ पे सर्किट में भी नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, और इस तरह से पॉजिटिव साइड पॉजिटिव की तरफ रखना है और नेगेटिव साइड नेगेटिव की तरफ रखना है। और इस तरह से हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसे लगा देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है उससे रिप्लेस करें तो वहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लें, जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट नहीं रहने चाहिए। अगर हल्की सी भी शॉर्टिंग है तो ऐसी स्थिति में लो लाइट की प्रॉब्लम आ सकती है, अगर तुरंत नहीं आएगी तो कुछ देर चलने के बाद हो सकता है कि लो लाइट की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। यहाँ पे ड्राइवर का जो पॉजिटिव वायर है वो ड्राइवर से अलग हो गया है, तो इसे हमें फिर से लगाना होगा ड्राइवर में और फिर हम टेस्टिंग जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये वायर जो है ये निकल गया था और इसकी हम सोल्डिंग जो है वो कर लेते हैं, और इसके बाद हम टेस्टिंग जो है वो करेंगे, जिसके बाद हमें ये क्लियर होगा कि हमारा ड्राइवर ठीक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने सोल्डिंग जो है वो कर दी है, और अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं और ये देख पाएंगे कि हमारा ड्राइवर जो है ये ठीक हो गया है या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे आप पावर मॉनिटर में वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे। अगर ये सही होगा तो 28 वॉट के करीब यहाँ पे पावर मॉनिटर में दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 29.3 वॉट के करीब दिखा रहा है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो एलईडी स्ट्रिप है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन वास्तव में ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये ड्राइवर जो है वो ठीक हो चुका है। एलईडी ट्यूबलाइट को कैसे रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी फॉल्ट आ सकती हैं, को मैंने डिटेल में कई सारे वीडियोज़ में समझाया है। उनमें से कुछ वीडियोज़ अभी आपको यहाँ पे इन स्क्रीन में शो होंगे, और आप उन्हें देखकर एलईडी ट्यूबलाइट की रिपेयरिंग जो है उसे आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।